हमने लास्ट लेक्चर में सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? आप मुझे बता सकते हो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का? लास्ट लेक्चर में बता सकते हो क्या क्या हुआ था, कौन सा क्वेश्चन लिया था मैंने, क्योंकि उसके पहले हमने ने पेपर सॉल्व किया था, राइट? आरबीआई का सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल हुआ था हमारा, स्क्वायर हुआ था, अनसर्टेन हुआ था, और क्या हुआ था, लीनियर हुआ था क्या? लीनियर क्वेश्चन हुए थे क्या स्टूडेंट्स, बताओ? ऑनलाइन वाले बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? मनीष, लास्ट लेक्चर क्या लिया था हमने? नहीं, पेपर लिया था उसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट में, देखो सर्कल तो हो गया था, स्क्वायर हो गया था, अनसर्टेन हो गया था, लीनियर बाकी रह गया हमारा, तो क्लियर? ट्रायंगुलर वाला चल रहा था, आवाज नहीं आ रही है आपका। हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ सर, ट्रायंगल वाला। हाँ बोलिए ना, बोलिए, आवाज आ रही है। ट्रायंगल चल रहा, ओके ओके ओके। एक मिनट होल्ड करना आप लोग। ट्रायंगल का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया था ना मैंने, लिए थे सर। दो क्वेश्चंस हुए, ट्रायंगल के दो क्वेश्चन हुए, ओके ओके, डबल वेरिएंट बाकी है मतलब हमारा, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ।
एक मिनट होल्ड करना क्लास, थोड़ा सा होल्ड करना। ओके सर। सर राइट हैंड साइड का स्क्रीन थोड़ा दिख नहीं रहा है। ओके ओके नाउ विजिबल है। हाँ सर।
चलिए ये सॉल्व करिए। सर लास्ट लाइन क्या लिखा है? लास्ट लाइन ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद उल फितर, डी डज नॉट सेलिब्रेट होली। ओके सर ई डस नॉट, हाँ क्या बोल रहे हो? ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद उल फितर। फितर ओके, ईद उल मतलब ईद ले लो, ईद है वो, और डी डज नॉट सेलिब्रेट होली। हेलो सर, हेलो, हाँ बोलो मनीष सर। वो पोंगल वाला मनीष बोलिए, चेक कर लिए ना? ए सेट सेकंड टू द, वापस पढ़ू क्या? आप क्रॉस चेक करो, मैं पढ़ता हूँ। देखो ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, बरोबर लिखा है मैंने डी। देखो मैं पढ़ रहा हूँ मनीष, आप मुझे बताना अगर मैं गलत रहूंगा तो मुझे वहां पे रोकना। D sit immediate left of the person who celebrate Pongal. C celebrate Dashera and sit at the middle side of the table. Only one person sits between C and the one who celebrate Holi. B who celebrate Christmas sits second to the right of the one who celebrate Diwali. F is an immediate neighbor of the both B and A. He does not celebrate Eid ul Fitr. D does not celebrate Holi. बराबर है? हाँ सर बराबर है। Okay.
सर हो गया, किसका हुआ? चांदनी तुम्हारा हुआ? हाँ हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी को टाइम चाहिए मैं सॉल्व करूं? वेरी गुड अंकिता, थोड़ा टाइम चाहिए या फिर मैं सॉल्व करूं? ऑनलाइन वाले बताइए। वेरी गुड, किसी को टाइम चाहिए या फिर सॉल्व करूं? आप लोग बताइए। ऑनलाइन वाले बताइए, थोड़ा समय चाहिए या फिर मैं सॉल्व करूं कि नहीं करूं? करूं तो सॉल्व कर। चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग का हुआ? आपको ठीक है। देखो क्या बोला है, जो लोग दो ट्रायंगल फॉर्म लोग ले लेंगे, ट्रायंगल बोला है, बस मुझे इतना बता दो जो मिडल में बैठा है वो क्या फेस कर रहा है? इनसाइड। इनसाइड मिडल वाला, ओके, मिडल वाला इनसाइड है मतलब, और कॉर्नर वाला आउटसाइड है, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन लिखा था जो मैंने अभी रख किया इधर, ठीक है? अब देखो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल। बट आपको पता है क्या पोंगल इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है, ये आपको पता है क्या? बताइए। नहीं पता ना, तो एक बार आप पोंगल को इनसाइड ले लेंगे यहां पर, एक बार पोंगल को आउटसाइड ले लेंगे। एक बार मिडल क्या फेस कर रहा है? इनसाइड है ना। एक बार पोंगल को मिडल में ले लिया। अब देखो, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल। ए उसके सेकंड राइट में होगा जो सेलिब्रेट कर रहा है पोंगल को। अब ये पोंगल सेलिब्रेट कर रहा है, पोंगल यहाँ पे क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है, और नॉर्थ का राइट उस तरफ आएगा। तो ए हमारा यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट्स बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहां पर हमने पोंगल लिया, ठीक है? अब इसके सेकंड राइट, अब ये साउथ फेस कर रहा है, इसका सेकंड पीछे आएगा, तो ए हमारे यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं फर्स्ट सेंटेंस? यस सर। डाउट है इसमें? ओके, डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल। डी इमीडिएट लेफ्ट में होगा उसके जो सेलिब्रेट करेगा पोंगल, बट यहां पर पोंगल हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो डी यहां पर पीछे आ जाएगा कि नहीं? और यहां पर हमारा पोंगल साउथ फेस कर रहा है, तो डी इसका इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? कोई पूछना है या कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं सर। सी सेलिब्रेट दशहरा, सी सेलिब्रेट कर रहा है दशहरा एंड सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। सी सेलिब्रेट करेगा दशहरा और मिडल साइड ऑफ द टेबल में। इस पॉसिबिलिटी में अगर आप देखो तो सी के लिए एक ही बचेगा यहां पर, दशहरा मिडल साइड में है ना। देखो दो मिडल साइड तो फुल है यहां पर, और सी और दशहरा दोनों साथ में चाहिए, तो एक ही जगह खाली था। बट ये पॉसिबिलिटी में सी यहां पर भी आ सकता है और सी यहां पर भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए? यस सर। या इसमें समझाऊं, ये डबल वेरिएंट का पहला क्वेश्चन है, आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अगर सिंगल में लेना है तो बोलो, मैं एक ही में समझा देता हूँ, या फिर एक्स्ट्रा एक पॉसिबिलिटी ले लो जिससे चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। आप लोग बताइए क्या करना है सर? एक्स्ट्रा और एक पॉसिबिलिटी ले लो। Thank you.
बी है, यहाँ पर ए हो गया, सी मिडल साइड में बैठ रहा है और सी सेलिब्रेट कर रहा है, दिख रहा नहीं है ना, एक मिनट इसको मैं नीचे का दो तीन लाइन रफ कर देता हूँ। देखो सी हमारा दशहरा सेलिब्रेट कर रहा है, मिडिल साइड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ रहा था, इसके मैंने अलग से और एक डायग्राम बना लिया। एक बार मैं सी दशहरा को यहाँ पे ले लूंगा और एक बार सी दशहरा को यहाँ पर ले लूंगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, मैंने क्यों यहाँ पर दो बनाया बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओके अब देखो यहाँ पे ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु सेलिब्रेट होली, सी और होली के बीच में एक बंदे का गैप आएगा। इसमें अगर हम लोग ये पॉसिबिलिटी गौर करें तो एक बंदे का गैप छोड़ के यहाँ पर होली आ सकता है क्या, मुझे बताइए? यहाँ पे तो ऑलरेडी पोंगल बैठा हुआ है ना, तो होली नहीं आएगा, तो एक बंदा छोड़ के यहाँ पर होली ए हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो सी होली यहाँ पर भी आ सकता है और होली यहाँ पर भी आ सकता है, बट होली का पोजिशन कन्फर्म नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पर राउंड में लिया होली को, यहाँ पर भी राउंड में किया। जब होली का पोजीशन कंफर्म हो जाएगा तो मैं एक होली को हटा दूंगा। अब यहाँ पे देखो होली यहाँ पर भी आ सकता है और होली यहाँ पर भी आ सकता है, तो इसको भी होली को मैंने राउंड में ले लिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स बताइए? यस सर क्लियर। और जो जिसका पोजिशन फिक्स हो रहा है उसको मैं बॉक्स में पुट कर रहा हूँ। देखो जिसका पोजिशन फिक्स हो रहा है ना, जिसका नाम और फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो उसको मैं बॉक्स में पुट कर रहा हूँ कि जिससे ये कंफ्यूजन ना हो कि ये सर्कल मतलब टेम्पररी पोजीशन है और बॉक्स मतलब परमानेंट पोजीशन है और ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, बी हु सेलिब्रेट क्रिसमस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट दिवाली। बी सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस, बी सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस और वो सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली के सेकंड राइट में बी क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। अब देखो इसको क्लू की तरह रखेंगे, आगे पढ़ेंगे। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ E एंड A। F क्या है? इमीडिएट नेबर है E और A का। A का पोजीशन यहाँ पे फिक्स है ना, क्या मैं F को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, मुझे बताओ? नहीं सर। ऑनलाइन वाले बताइए प्लीज, नहीं रख सकता। तो क्या मैं F को यहाँ पे रख सकता हूँ? अगर F को यहाँ पे रखा तो E को यहाँ पे रख सकता हूँ ना, क्योंकि A और E के मिडल में F आएगा, राइट? अब ये पॉसिबिलिटी में देखो, यहां पर मैं F को रख सकता हूं क्या? नहीं ना, क्योंकि C बैठा हुआ ऑलरेडी। यहां पर मैं F को रख सकता हूं और बोला क्या है, F जो है A और E के मिडल में है, तो E को यहां पे रख दिया मैं, मिडल हो गया कि नहीं? अब यहां पर देखिए A और E के मिडल में F है, तो क्या मैं E को यहां पे रख सकता हूं, मुझे बताइए? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए। नहीं सर। तो मैं F को यहां पे रखा और E को यहां पे रख लिया, इनका इसका पोजीशन फिक्स हो गया, इसलिए मैं राउंड सर्कल कर लिया और इसका पोजीशन भी फिक्स हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है यहां तक? ओके, अब बोला क्या है कि ईद डज नॉट सेलिब्रेट ईद उल फितर, ईद उल फितर सेलिब्रेट नहीं करता है, ठीक है, और डी डज नॉट सेलिब्रेट होली। ई जो है ईद उल फितर नहीं करता और डी डज नॉट सेलिब्रेट होली। अब डी क्या है? होली सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी में देखिए तो डी होली सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, तो किसको आ जाएगा? और कर देंगे। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी डी होली सेलिब्रेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर होली सेलिब्रेट नहीं करेगा, तो होली का पोजिशन किसको आ जाएगा? एफ को आ जाएगा, ये भी हमने फिक्स बिठा लिया। अब यहाँ पे डी होली सेलिब्रेट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि होली ऑलरेडी ए को दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिवाली का सेकेंड राइट में क्रिसमस होना चाहिए बी के लिए। अब बी क्रिसमस ये दोनों साथ में बैठेंगे, ऐसी जगह ढूंढिए इस पॉसिबिलिटी में दो जगह साथ में हो, तो ये दो जगह है ना, ये जगह खाली है ना पूरी, जिसको मैं दो लोग को बिठा सकता हूँ, बी और क्रिसमस को। अगर मान लीजिए बी और क्रिसमस को बिठाता हूं मैं यहाँ पर, तो दिवाली का सेकेंड राइट में होना चाहिए, बट ये क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड फेस कर रहा है,
और इसका सेकेंड राइट इधर नहीं होगा, इसका सेकेंड राइट इधर होगा, समझ रहे हो आप, इसका सेकेंड राइट इधर होगा। बट हमें दिवाली का सेकेंड राइट पे चाहिए, तो सेकेंड राइट क्यों कौन सा होना चाहिए जहां पे, तो यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, यहां से सेकेंड राइट दिवाली हो सकता है कि नहीं, ब्री क्रिसमस का, दिवाली का सेकेंड राइट में देखो बी क्रिसमस हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट बताइए। हाँ सर हो रहा है। अभी यहाँ पे आइए, बी क्रिसमस के लिए जरूर ढूंढिए जहां पे दोनों साथ में बैठे, इस पॉसिबिलिटी में कोई जगह है क्या साथ में बिठाने के लिए, बी और क्रिसमस को दोनों साथ में बिठाने के लिए कोई है जगह यहाँ पर? नहीं, साथ में इससे बैठ सके नहीं है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। बी क्रिसमस को बिठाने के लिए देखिए पूरी जगह खाली कौन सी है, एक ये जगह खाली है, तो बी क्रिसमस यहाँ पे हो जाएगा। उसके सेकेंड राइट में दिवाली आना चाहिए, तो दिवाली इधर आ गया, देखो दिवाली का सेकेंड राइट में बी क्रिसमस हो गया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद उल फितर, ई और डी डज नॉट सेलिब्रेट होली, दो दो कैसे बन रहा है, डी डज नॉट सेलिब्रेट होली ईद उल फितर, तो यहाँ पे ईद उल फितर आ रहा है डी को, और यहाँ पे ईद उल फितर एफ को आ रहा है, कुछ तो मिस किया हमने, पढ़िए ना, कुछ तो मिस किया हमने, तो मेरा भी इसी दो दो बन रहा है, दोनों बन रहा है क्या, कुछ तो हमने मेरे लिखने में या फिर कुछ तो हो रहेगा गड़बड़। ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द, आप लोग चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, बी सेट इमीडिएट, बी एंड ए, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड ए, तो यहां पर भी तो हो रहा है ना बी और, अच्छा यस ये देखिए, देखो यहाँ पे देखो F, F क्या है, इमीडिएट नेबर होगा किसका, B और A का, B और A बोला है ना, F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द बोथ B और A, बट ये पॉसिबिलिटी में देखिए क्या F इमीडिएट नेबर है क्या B और A का, ये तो सिर्फ A का इमीडिएट नेबर है राइट, बट B का है क्या इमीडिएट नेबर F, मुझे बताइए है क्या ये वाला पॉसिबिलिटी में, नहीं सर नहीं है, इसमें चेक करो क्या बी एफ क्या इमीडिएट नेबर है बी और ए का, इसमें भी नहीं हो रहा है सर, ई और ए का, हेलो ई और ए, ई और ए क्या, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई आएगा एंड ई की जगह पे बी आ रहा है, अच्छा मैंने उल्टा लिखा है क्या, बी यहाँ पे कौन आ रहा है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, मेरे को पहले वाला जो बनाया ना उसमें, हाँ क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे बी की जगह पे ई आ रहा है और ई की जगह पे बी, ई की जगह पे बी आ रहा है, बी की जगह पे ऐसा कैसे हो सकता, मैंने कुछ पढ़ने में गड़बड़ किया क्या, हाँ पढ़ने में गड़बड़ किया, हाँ हाँ बोलो बोलो सर, आपने मिस्टेक कुछ लेकिन बी नहीं, लेकिन मिस नहीं, मैं फिर से बनाएगा सर, ए और ई के बीच में आना चाहिए, नहीं मैं फिर से बनाएगा, नहीं मैं फिर से बनाएगा, आप लोग पढ़ो जरा, क्योंकि मेरे के साथ थोड़ा सा ये बहुत बारीक लिखा है ना, तो समझता भी नहीं है, पढ़ो ना आप लोग, मैं बनाता हूँ, आप लोग पढ़ो जल्दी पढ़ो, देखो वन अटेम्प्ट में बना के दिखा। A sits second to the right of the person who celebrate Pongal. Hello, sir. जल्दी पढ़ो, हाँ पढ़ो, हाँ A sits second to the right of the person, नहीं पहले ये बता दो मिडल वाला कौन, मिडल वाला क्या फेस कर रहा है, मिडल इनसाइड, इनसाइड और ये आउटसाइड, ठीक है हाँ बराबर, चलो पढ़ो। A sits second to the right of the person who celebrate Pongal, देखो ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, बट पोंगल का पोजीशन हमें पता नहीं है, तो पोंगल को एक बार हम नॉर्थ में बिठाएंगे और एक बार पोंगल को हम लोग साउथ में बिठाएंगे, और उसके सेकंड राइट में कौन है, ए बैठा हुआ है, और यहाँ पे वो साउथ फेस कर रहा है पोंगल, तो इसका सेकेंड राइट ए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वो नॉर्थ फेस कर रहा है, इसके सेकेंड राइट में ए यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर, पढ़िए। D sits immediate left of the person who celebrate Pongal. देखो पोंगल का immediate left D इधर आ जाएगा, पोंगल का immediate left D इधर आ जाएगा,
ठीक है पढ़िए। सी सेलिब्रेट दशहरा एंड सिट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। सी सेलिब्रेट दशहरा एंड सिट मिडिल साइड ऑफ द टेबल। देखो ये सी और दशहरा दोनों साथ में बैठेंगे। यहाँ पर पोंगल है तो मैं सी को नहीं बिठा सकता क्योंकि सी और दशहरा साथ में बैठेंगे। यहाँ पे नहीं बिठा सकता, सी और दशहरा यहाँ पर बैठेगा, ये पोजीशन कंफर्म हो गया दशहरा सी का। यहाँ पर देखा जाए तो सी दशहरा यहाँ पर भी आएगा और सी दशहरा यहाँ पर भी आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम डायग्राम ड्रॉ करके सेकेंड पॉसिबिलिटी ले लूंगा। यहाँ पे मैंने सेम डायग्राम ड्रॉ करके सेकेंड पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। चाहिए तो मैं एक में बना सकता हूँ लेकिन फर्स्ट डबल वेरियंट ले रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं और एक बना रहा हूँ यहाँ पे, बट आगे हम लोग नहीं बनाएंगे। पोंगल है, डी है और सी दशहरा यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है आगे पढ़िए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है पूछना है? नहीं सर। ओके हाँ पढ़िए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु सेलिब्रेट होली। ओके ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु सेलिब्रेट होली। अब देखो सी यहाँ पर है और एक बंदा छोड़ के होली सेलिब्रेट करना चाहिए, तो एक बंदा छोड़ के यहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट कर तो होली नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक बंदा छोड़ के होली यहाँ पे हम ले सकते हैं। बट इस पॉसिबिलिटी में देखो सी एक बंदा छोड़ के होली इधर भी आ सकता है और होली ये वाले पॉसिबिलिटी में भी आ सकता है। और यहाँ पर भी गौर करेंगे तो सी होली यहाँ पर भी आ सकता है और सी और एक बंदे का छोड़ के होली यहाँ पर भी आ सकता है। जहां पर होली का पोजिशन कन्फर्म नहीं है मैंने राउंड में पुट किया हुआ है, जिससे ये समझ में आएगा कि होली का कंफर्म पोजीशन नहीं है। बट इतना कंफर्म हो गया है कि इन दोनों जगहों में से कोई एक जगह पर ही होली बैठेगा और किसी और जगह पे अगर होली बैठता है तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा पॉसिबिलिटी। ठीक है आगे पढ़िए। बी हु सेलिब्रेट क्रिसमस। बी सेलिब्रेट करता है क्रिसमस। बी सेलिब्रेट करता है क्रिसमस। Sit second to the right of the one who celebrate Diwali. देखो बी जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, second to the right of the one who celebrate Diwali. Diwali के second right में बी आएगा, बट हमें यही देखो अब गौर करना चाहोगे तो बी इधर भी बैठ सकता है, बी इधर भी बैठ सकता है क्योंकि होली का पोजिशन कंफर्म नहीं है। यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर दिवाली आ सकता है। तो जहां पर चीजें हैं वहां पे हम लोग बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। F is an immediate neighbor of both E and A. Okay, F is an immediate neighbor of the both E and A. देखो A यहाँ पर है, देखो F जो है immediate neighbor है both E और A। इस तरीके से बनना चाहिए A then F then E, या फिर E F और A, ये पोजीशन होना चाहिए। मिडल में एफ आना चाहिए। यहाँ पे देखो ए कंफर्म हमारा पोजीशन पे है, बट इसके बाद में क्या मैं एफ को बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं बिठा सकता ना, तो एफ को यहाँ पर बिठा सकता हूँ मैं। एफ यहाँ पर बैठेगा तो एफ के बाजू में कौन आएगा? ई आ जाएगा। ई का पोजीशन कंफर्म हो गया। इस पॉसिबिलिटी देखा जाए तो ए को मैं एफ तो बिठा सकता हूँ बट यहाँ पे ई बिठा सकता हूँ क्या? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताइए। नहीं, तो एफ का पोजीशन यहाँ पर आएगा तो ई का पोजीशन यहाँ पर आ गया। अब ये पॉसिबिलिटी में आ जाइए, ए यहाँ पर बैठा हुआ है तो क्या मैं एफ को बैठा सकता हूँ यहाँ पर? ऑलरेडी सी बैठा हुआ है तो नहीं आएगा, तो मैं एफ को यहाँ पे बिठाऊंगा और ई को यहाँ पर बिठा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं बताइए। यस सर क्लियर। ओके अब जरा गौर करना आप लोग, बी सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस, उसके सेकंड राइट दिवाली के सेकंड राइट में बी बैठ रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी में जरा गौर करो, बी और क्रिसमस को साथ में बिठाने के लिए कोई एक जगह खाली है क्या इसमें? दोनों साथ में बिठाने के लिए ये वाले पॉसिबिलिटी में है कोई जगह खाली? नहीं नहीं है। सीधी सी बात है, ई और बी साथ में बैठेंगे तो जगह इसमें से कोई भी खाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे ई बैठा हुआ है, यहाँ पे डी बैठा हुआ है, यहाँ पर पोंगल है, तो मतलब अगर मैं बी को बिठाऊंगा तो क्रिसमस नहीं बिठा सकता। यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ पर ए बैठा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्रिसमस बैठाऊंगा बट बी नहीं बैठेगा क्योंकि बी और क्रिसमस साथ में बैठेंगे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गया। अभी यहां पर आ जाओ, बी सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस, इसमें से हम कहां पर दोनों को बिठा सकते हैं? यहां पर ही बिठा सकते हैं ना, एक ही जगह बाकी है बरोबर की नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। बी सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस, ओके दिवाली के सेकंड राइट में, अभी आउटसाइड फेस कर रहा है तो इसका सेकंड राइट इस तरफ आएगा तो दिवाली यहां पर आ गया।
ओके यहां पर आ जाओ, बी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है तो बी के लिए कीजिएगा बच्चा यहां पर भी क्रिसमस, और दिवाली के सेकंड राइट है मतलब दिवाली यहां पर आ गया, दिवाली का सेकंड राइट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी हो गई है, ठीक है आगे पढ़िए। ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद, ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद, ईद तो पोंगल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। डी डज नॉट सेलिब्रेट, दोनों में डी डज नॉट सेलिब्रेट होली। अब देखो यहाँ पे डी होली सेलिब्रेट नहीं कर रहा है तो होली कौन सेलिब्रेट करेगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पे ईद आ जाएगा और इधर भी ईद आ रहा है। दो दो पॉसिबिलिटी कैसे बन रही, वापस दो बन गया, क्या गड़बड़ हो रहा है, वापस दो बना है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, द पर्सन द डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, डी इधर आ जाएगा, डी इधर आ गया। सी सेलिब्रेट दशहरा सिट मिडिल साइड ऑफ द टेबल ओनली सी दशहरा, सी दशहरा ओनली वन द वन हु सेलिब्रेट क्या है मिडिल साइड ऑफ द टेबल, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सेलिब्रेट, वन हु सेलिब्रेट ओनली क्या लिखा है टेबल, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन सी एंड द वन हु सेलिब्रेट होली, सी और होली में एक ही है, सी और होली में भी यहाँ पे भी एक है। बी हु सेलिब्रेट क्रिसमस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली के सेकंड राइट में बी क्रिसमस हो गया, दिवाली के सेकंड राइट में बी क्रिसमस हो गया। एफ इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड ए, एफ इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। एफ इज इन एफ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, बी और ए का इमीडिएट नेबर एफ होगा, एफ इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए। हाँ बोलिए ना सर, जो आपने जो सेकंड पॉसिबिलिटी बनाई है ना नीचे वाला, उसमें हम बी एंड ई का प्लेस एक्सचेंज करेंगे ना तो बन रहा है, किसका बी और ई का, हाँ ई की जगह पे बी एंड बी की जगह पे ई लिखेंगे तो बन रहा है। पहले ये बताइए क्या हमने कोई लाइन मिस नहीं किया है ना, ये लाइन मिस किया है क्या हमने, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, ये लाइन मिस किया है क्या। हाँ बोलो, लिखा हुआ है सर, बोलो। हाँ पढ़ो सर, एक्चुअली आप जैसा ई और ए की एफ है सर, आपने जो दिया है एफ इज एन इमीडिएट, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड ए करके, बट आप जब रीड कर रहे थे ई और बी करके बोल रहे, हम बी बोल रहे थे सर, एफ इज इमीडिएट, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई बी और ए। अच्छा हमने एफ इज इमीडिएट ऑफ ए और ई लिया था राइट, एक्चुअली हाँ वो गलत किया हमने, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, इसीलिए हमने यहाँ पे ए और एफ को बी यहाँ पे लिया। चलो अभी क्या कर सकते हैं, वापस वही गड़बड़ हो गई। तो एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ, हाँ एक्सचेंज तो होगा लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं पूरा बनाने में बिलीव करता। मैं इसे बिलीव नहीं करता, रुको रुको रुको, ये लाइन थोड़ा गौर से पढ़ना, वापस पढ़ो। हाँ सर, वापस। हेलो, इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी और ए, बी और ए, वो ए और ई लिया था हमने, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई लिया था हमने अभी, वो बी और ए है, ठीक है गौर से पढ़ना वापस, हम लोग सॉल्व करेंगे, फटाफट पढ़ो, बस इतना बता दो मिडल में कौन सा साइड फेस कर रहा है, मिडल इनसाइड कॉर्नर आउटसाइड, कॉर्नर आउटसाइड, कॉर्नर आउटसाइड। देखो ये मैं बिलीव नहीं करता प्लेसिंग के चेंज करने में, मैं एक क्वेश्चन 10 बार बनाऊंगा लेकिन मैं मेरी जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक नहीं बनाऊंगा, तब तक बनाते रहूंगा। हाँ ए सेट सेकंड, नहीं सर स्टूडेंट, ओके ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, एक बार पोंगल को आउटसाइड ले लो उसके सेकंड राइट में ए को यहां पर ले लो, एक बार पोंगल को इनसाइड ले लो उसके सेकंड राइट में ए को यहां पर ले लो,
बाय बाय. डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल. बी डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, तो यहाँ पर डी आ जाएगा. ठीक है. सी सेलिब्रेट दशहरा एंड सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल. सी सेलिब्रेट दशहरा सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल. यहाँ पर सी दशहरा ले लेंगे हम लोग. यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और ऐड कर देंगे. सी दशहरा एक बार यहाँ पर ले लिया. सी दशहरा एक बार यहाँ पर ले लिया. आगे पढ़ो. Only one person sit between C and the one who celebrate Holi. Holi. So one person sit between C and the one who celebrate Holi. होली और सी के बीच में एक का गैप है, तो होली यहाँ पर भी आ सकता है. होली यहाँ पर भी आ सकता है. एक का गैप है, यहाँ पर भी होली आ सकता है और यहाँ पर भी होली आ सकता है. ये पॉसिबिलिटी सी, यहाँ पे तो पोंगल बैठा होता है, होली नहीं आएगा. यहाँ पे होली का पोजीशन ए को कंफर्म हो गया. ठीक है, पढ़ो. बी हु सेलिब्रेट क्रिसमस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट दिवाली. बी सेलिब्रेट क्रिसमस सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट दिवाली. आगे पढ़िए. ये पॉसिबिलिटी करें, यूज करेंगे बाद में ऐड करेंगे. एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड ए. हाँ, ये लाइन थोड़ा बी और ए, और हमने क्या लिया था, ए एफ ई, ये लिया था. ये लिया था, इसलिए हमने ए एफ ई यहाँ पे लिया था. एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड ई ए. ठीक है, एफ क्या है, इमीडिएट नेबर है बोथ बी और बी सॉरी बी और ई का इमीडिएट नेबर, राइट. अब देखो बी से बी में लिंक कर सकता हूं. बी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है दिवाली के सेकंड राइट में, तो दो जगह ढूंढो यहाँ पे जहां पे पूरी खाली हो. अगर देखो, अगर मैं बी क्रिसमस यहाँ पे लेता हूं तो इसके सेकंड राइट में दिवाली वाला बंदा चाहिए, तो यहाँ पे देखो दिवाली आ सकता है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं यहाँ पर. No. अरे इसका सेकंड राइट ये लेफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो क्या मैं सेकंड राइट, अभी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेकंड राइट, बट यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, आ सकता है क्या दिवाली, नहीं दशहरा. जी बताओ फटाफट, दशहरा है तो बी क्रिसमस यहाँ पर नहीं आएगा और बी क्रिसमस यहाँ पर आ गया, इसका सेकंड राइट टू दिवाली यहाँ पर आ गया. अब बोला क्या है, बी एफ और ई इस तरीके से बैठेंगे, तो बी यहाँ पर है, क्या मैं एफ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, नहीं ना, तो क्या मैं एफ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ. नो, नहीं बिठा सकता. ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, इसको हटा देंगे हम लोग. अब यहाँ पे देखो बी सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस, अगर दो जगह कौन सी खाली है, एक जगह मान लेता हूँ कि बी यहाँ पर बैठा है क्रिसमस में और दिवाली के सेकंड राइट में बैठा है, तो दिवाली के सेकंड राइट में बी क्रिसमस, ऐसा हो सकता है कि नहीं इस तरीके से. यस सर. आप मुझे बताओ, बी क्रिसमस अगर मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे दिवाली लिया, तो सेकंड राइट में दिवाली हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप बताइए जरा, हो सकता है क्या. अरे ऑनलाइन वाले बताइए. नो सर. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होली इन दोनों जगह में से कोई एक जगह पे आएगा, राइट. नहीं नहीं नहीं, होली का पोजीशन इन दोनों में से कोई एक जगह पे था. अगर यहाँ पे दिवाली आएगा, यहाँ पे क्रिसमस आएगा, तो होली कहाँ पर आएगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि होली का दोनों में से कोई एक जगह पे था. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बी क्रिसमस नहीं आएगा, तो बी क्रिसमस के लिए एक ही जगह बचा और दिवाली यहां पर हो गया. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग. यस सर. अब यहाँ पे आ जाओ, बी क्रिसमस अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो दिवाली के सेकंड राइट में इस तरीके से आ सकता है कि नहीं, दिवाली का ये सेकंड राइट बी क्रिसमस हो सकता है कि नहीं. अरे दिवाली का सेकंड राइट क्रिसमस हो सकता है कि नहीं, साउथ ये लेफ्ट हो जाएगा. हाँ. मैं वही बोल रहा हूँ, लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट. तो बी क्रिसमस इधर आ जाएगा, यस करेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, दिवाली. क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है. अब बोला क्या है क्वेश्चन में, बी के बाजू में एफ बैठेगा, एफ के बाजू में ई बैठेगा. इस पॉसिबिलिटी में जरा देखो, यहाँ पर सी बैठा हुआ है, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, क्या मैं एफ को बैठा सकता हूँ क्या, कई जगह है नहीं सर. अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बी बैठा हुआ है, क्या मैं एफ को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, नो. यहाँ पर एफ को बिठा सकता हूँ बट ई नहीं बैठेगा, कहाँ गड़बड़, वापस गड़बड़ हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ पहले पजल में. हेलो बोलो सर, शायद वहाँ पे बी और ए है,
जिसके जिसका इमीडिएट कीपर ए है। ये बी और ए है क्या? बी और ए है क्या? मैं क्या लिखा है मेरे को नहीं समझता। अरे बी और ए है, इमीडिएट एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी और ए, बी और ई नहीं है जननी, ये बी और बी एफ ए है। यही मिस्टेक, हाँ वही उसी मिस्टेक से नहीं बन रहा था अपना पजल। ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे एफ आ जाएगा, बी के बाजू में एफ, एफ के बाजू में ए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो बन रहा है, बनेगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अब यही बनने वाला है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो सर। हो गया वो पोंगल की जगह पे ई रख दो, हो गया। नहीं पढ़ो ना, आगे पढ़ते हैं ना, ऐसे समझेगा। ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद, ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद, तो ई एक ही जगह बचा पोंगल के लिए, एक ही जगह बचा है ई के लिए, ठीक है। डी आगे पढ़ो, सेलिब्रेट होली, देखो होली दो जगह था, अगर डी सेलिब्रेट नहीं करेगा होली तो होली कौन सेलिब्रेट करेगा? एफ करेगा। अब बचा गुचा ईद यहाँ पर आ जाएगा डी में, बन गया। हमने एक लाइन मिस्टेक किया, देख रहे हो आप पजल में ही ना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने सारी मेहनत की और एक लाइन गलत पढ़ दिया तो मेरी जैसे हालत हो जाएगा, एक ही बार 10 बार बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानता, वो बात की बात है, मैं बनाते रहता हूँ। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डबल वेरिएंट वाले थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन है ये। चलो मैं क्वेश्चन लिखू, रफ करू इसे, मैं रफ कर दू, ऑनलाइन वाले बताइए क्या मैं। ओके यस सर, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अभी, डबल वेरिएंट का। ये था पहला क्वेश्चन डबल वेरिएंट का, सर। फोर ऑफ देम फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड है वो? इनसाइड इनसाइड इनसाइड, फोर ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड फोर ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। सर ऑप्शन में तो अभिजीत है ही नहीं,
अभिषेक है ना अभिषेक अनिल एक मिनट है अभिजीत ऐड कर दो क्योंकि सात ही हो रहे हैं ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अभिजीत को मिला के आठ हो गया ओके सर सर दिल्ली की बात में क्या है दिल्ली के बारे में कौन सा लाइन फोर्थ वन टू थ्री फोर दिल्ली इज फेसिंग फर्स्ट का फोर्थ ग्वालियर ग्वालियर दिल्ली ग्वालियर ये लास्ट में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना बोर्ड विजिबल नहीं है ना ओके एक पैराग्राफ ऊपर का रफ करो क्या हाँ सर कर दो मुझे बताओ पहले एक बता दो कि एट फ्रेंड्स के बाद वो नाम क्या प्रोनाउंस करने का है कौन सा एट फ्रेंड्स के बाद रोमिल ओके रोमिल 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 रमेश ओके ओके चलो फर्स्ट पैराग्राफ क्या मैं रफ कर दूं हाँ सर
चलिए सॉल्व करिए इसे, डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन है।
ना ऑनलाइन में किसी का थोड़ा टाइम चाहिए या फिर बनाऊं मैं? सर टाइम चाहिए। ओके ओके ओके
अंकिता हो गया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ? ऑनलाइन वाले बताइए, मनीष, जन्नी, चांदनी, मानसी, संकल्प, सोनाली। 5 मिनट और देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? हाँ सर। ओके। डन सर।
चलो मैं सॉल्व करूं, 5 मिनट हो गए, सॉल्व करूं मैं कि थोड़ा टाइम चाहिए और? यस सर, सॉल्व करो। चलो जर्नी पढ़ो। Eight friends. हाँ। रोमेल, राकेश, अभिजीत, रमेश, रोहित, राहुल, अभिषेक एंड अनिल आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल. फोर ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड फोर ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड. All eight friends. देखो टोटल एट फ्रेंड्स हैं, रोमिल करके ऐसा नाम दिया हुआ है, और उसमें से 8 फ्रेंड में से 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। बट 4 लोग एक साथ इनसाइड फेस कर रहे हैं या 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मिक्स बैठ रहे हैं, वो हमें आप ऐसा मत ले लेना कि एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड। नहीं, ये 2 इनसाइड एक आउटसाइड भी हो सकता है या 2 आउटसाइड एक इनसाइड भी हो सकता है। तो इसको जैसा क्वेश्चन में बोला होगा वैसे हम लोग बनाएंगे, बट गौर करना 4 इनसाइड होना चाहिए और 4 आउटसाइड होना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। ऑल 8 फ्रेंड्स बिलोंग टू 8 डिफरेंट सिटीज, भोपाल, पटना, कोलकाता, दिल्ली, लॉरिया, बेंगलुरु, चेन्नई, राजकोट। अभिजीत फेसेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश। ओके, अभिजीत फेसेस द सेंटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश। फॉर एग्जांपल, राकेश हमारा इनसाइड फेस कर रहा है, अगर राकेश हमारा इनसाइड फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में अभिजीत आएगा। बट गौर करना अभिजीत जो है वो सेंटर फेस कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है और राकेश के थर्ड राइट में। बट हमें ये नहीं पता राकेश इनसाइड फेस कर रहा है या फिर आउटसाइड फेस कर रहा है। बट क्लू में मैं ऑलवेज नॉर्थ में रखता हूं। अगर मान लो राकेश आउटसाइड फेस कर रहा है तो अभिजीत जो आगे बैठ रहा है मैं उसको पीछे बैठा दूंगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ पर? ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। यस सर। अभिजीत फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश, यही सेंटेंस है? यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित बिलोंग्स टू कोलकाता एंड फेसेस द पर्सन हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु। ओके, द रोहित बिलोंग्स टू कोलकाता फेसेस द पर्सन हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु। देखो रोहित बिलोंग कर रहा है कोलकाता से और फेस कर रहा है उसे जो बैंगलोर उससे बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्लू की तरह है। आगे देखेंगे जहां पे क्लू मैच होते जाएगा हम वहां पे पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। अभिषेक सिट थर्ड टू द राइट ऑफ रमेश। ओके, अभिषेक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रमेश। फॉर एग्जांपल, रमेश हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके थर्ड राइट में अभिषेक होना चाहिए। अगर रमेश साउथ फेस करेगा तो मैं अभिषेक का पोजीशन चेंज कर दूंगा। बट मैं क्लू में ऑलवेज रिपीट कर रहा हूं नॉर्थ में ही लेता हूं, जब तक यहाँ पे ये ना बोल दे कि वो बंदा साउथ फेस कर रहा है तब तक हमें सबको क्लू नॉर्थ में ही लेना है। चलिए आगे पढ़िए। रमेश स्टे इन भोपाल। रमेश कहाँ पे रहता है? भोपाल में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि रमेश स्टे इन भोपाल। ठीक है, the person who belongs to Delhi is facing the same direction as the person who belong to Gwalior. Okay, the person who belongs to Delhi facing the same direction to the one who belongs to Gwalior. Gwalior or Delhi ke jo log hain wo same direction face karenge. It means if the person belongs to Delhi face the inside, then Gwalior कभी इनसाइड फेस करेगा। अगर ग्वालियर का बंदा अगर फेस कर रहा है आउटसाइड, द पर्सन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली फेस द सेम डायरेक्शन एज द ग्वालियर, मींस आउटसाइड। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। राहुल इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू कोलकाता एंड द वन फ्रॉम राजकोट रेस्पेक्टिवली। ओके, राहुल बिलोंग
राहुल जो है सिटिंग पर्सन टू वन हु बिलोंग सर प्लीज सर को पढ़ने बोलेंगे वन सेकंड आई एम जस्ट आई एम हैविंग सम वर्क ओके ओके किसी ने लिखा है क्या थोड़े कोई बात किसी ने लिखा है मनीष हाँ सर लिखा है राहुल पढ़ मनीष पढ़ राहुल इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू कोलकाता एंड द वन बिलोंग्स टू राजकोट रेस्पेक्टिवली ओके राहुल उसके पीछे बैठेगा जो बिलोंग कर रहा है कोलकाता और राजकोट राजकोट का ये साथ में बैठे मतलब क्लू मैच करो देखो ये कोलकाता से ये कोलकाता मैच हो रहा है कि नहीं हाँ सर मैच हो रहा है ना एक मैच हो गया आगे भी बिठाएंगे हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं रोमिल बिलोंग्स टू ग्वालियर एंड राकेश बिलोंग्स टू पटना देखो राकेश यहाँ पर लिखा है हमने तो राकेश की इधर पटना लिख लेते हैं हम लोग ठीक है और रोमिल कहाँ से बिलोंग कर रहा है ग्वालियर से तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि रोमिल बिलोंग कर रहा है ग्वालियर से और ग्वालियर का क्लू देखो यहाँ पे दिया हुआ है ग्वालियर और दिल्ली सेम डायरेक्शन फेस करेंगे और रोमिल बिलोंग कर रहा है ग्वालियर से ठीक है आगे पढ़िए The person who belongs to Chennai is facing outward and is immediate neighbor to the person who belongs to Rajkot. Okay, Rajkot se Rajkot mil gaya Chennai ka dekho yahan pe clue. The person who belongs to Chennai face kar raha hai outside aur immediate neighbor hai kiska Rajkot ka right? Yes. Yehi bola hai na question mein? Haan sir. Okay, dekho Rajkot se Rajkot ye clue match ho raha hai. Rajkot se Rajkot match ho raha hai. Agar Rajkot mil gaya to Chennai mein mil jayega. और राजकोट मिल गया तो राहुल मिल जाएगा राहुल मिल गया तो कोलकाता मिलेगा कोलकाता मिल गया मतलब रोहित मिल गया और रोहित मिल गया तो बैंगलोर मिल गया बहुत सारा क्लू मैच हो रहा है चलिए आगे पढ़िए अनिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू ग्वालियर एंड चेन्नई ओके ग्वालियर और चेन्नई का अनिल इमीडिएट नेबर है तो यहाँ पे ग्वालियर है यस कहा गया ग्वालियर यहाँ पे ग्वालियर है अनिल इमीडिएट नेबर है किसका ग्वालियर का और चेन्नई का राइट यस सर यहां से चेन्नई मैच हो जाएगा और यहां से ग्वालियर मैच हो जाएगा ठीक है आगे पढ़िए राहुल इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहित ओके राहुल इमीडिएट देखो रोहित है यहां पर तो राहुल इमीडिएट लेफ्ट में होगा रोहित को फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं रोहित फेस कर रहा है इनसाइड उसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा राहुल देखो ये रोहित से रोहित क्लू मैच हो रहा है कि नहीं yes, और ये राहुल से ये राहुल मैच हो रहा है कि नहीं देखो सारे क्लू मैच होंगे ठीक है आगे पढ़िए बस सर इतना ही कितना ही है ओके आप देखो हम ना यहाँ से सॉल्व करेंगे रोहित कोलकाता से बिलोंग कर रहा है वो फेस कर रहा है बैंगलुरु को मैं यहाँ पे रोहित को ले लेता हूँ रोहित बिलोंग कर रहा है कोलकाता से और वो किसको फेस कर रहा है बैंगलुरु को यहां पर भी ले लिया मैंने क्योंकि मुझे रोहित का पोजिशन पता नहीं है ना एक बार मैं नॉर्थ में ले लूंगा रोहित को और एक बार साउथ में लूंगा रोहित बिलोंग कर रहा है कोलकाता से और किसको फेस कर रहा है बैंगलुरु को बट एक बात बताओ मुझे यहाँ पे बात बताओ मुझे क्या ये रोहित फेस कर रहा है क्या बैंगलुरु को ये तो आउटसाइड फेस कर रहा है ना ऑनलाइन वाले बताइए yes, क्या ये रोहित फेस कर रहा है ये तो इस साइड फेस कर रहा है तो बैंगलुरु को फेस नहीं कर बट ये देखो ये अंदर की तरफ देख रहा है मतलब बैंगलुरु को देख रहा है तो ये हम लोग पॉसिबिलिटी जगह पे एलिमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रोहित और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बैंगलुरु ठीक है ओके देखो रोहित और बैंगलुरु मिल गया रोहित फेस कर रहा है बैंगलुरु ये पे बैंगलुरु को सॉरी रोहित फेस कर रोहित है कोलकाता से और फेस कर रहा है बैंगलुरु को यहाँ पे भी रोहित कोलकाता से हो गया फेस कर रहा है बैंगलुरु से अब देखो रोहित के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है राहुल है तो यहाँ पे रोहित फेस कर रहा है हमारा नॉर्थ तो राहुल भी यहां पर आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में और राहुल यहां पर आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में क्लियर हो रहा है क्या स्टूडेंट्स बताइए रोहित बैंगलोर को फेस कर रहा है रोहित के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट है राहुल तो हमने राहुल को बिठा लिया राहुल को बिठा लिया अब राहुल वाला क्लू ढूंढिए अब राहुल किसके बाजू में है कोलकाता और राजकोट के बाजू में है तो कोलकाता तो ले लिया हमने तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे राजकोट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स मुझे बताइए यहां तक क्लियर है कोई डाउट है नो सर ओके अब राजकोट वाला क्लू ढूंढिए देखिए राजकोट से राजकोट वाला क्लू मैंने मैच किया था यहां पर राजकोट के बाजू में कौन है चेन्नई और चेन्नई क्या फेस कर रहा है आउटसाइड अब राजकोट के बाजू में राहुल भी चेन्नई हो सकता है कि नहीं यस और चेन्नई ऊपर भी आ सकता है
तो एक बार मैं चेन्नई को यहां पे ले लूंगा आउटसाइड करके, और यहां पर एक बार चेन्नई को यहां पर ले लिया मैंने आउटसाइड फेस करा के। अब दोनों पॉसिबिलिटी अच्छे से यूज हो रहा है, अभी तक सेम चल रहा था, अब अलग अलग हो गया, दो पॉसिबिलिटी अच्छे से यूज हो रहा है। यस सर, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, मुझे बताइए। देखो अब ये चेन्नई से ये चेन्नई वाला, ये चेन्नई से ये चेन्नई वाला क्लू बिठाओ। चेन्नई के बाजू में अनिल होगा, अनिल के बाजू में ग्वालियर होगा, और ये ग्वालियर से ये ग्वालियर वाला मैच करो। देखो चेन्नई के बाजू में अनिल होगा, तो अगर मैं चेन्नई यहाँ पे लिया है मैंने, तो यहाँ पे तो रोहित बैठा है, तो क्या मैं चेन्नई यहाँ पे लिया तो क्या मैं अनिल को बिठा सकता हूँ यहाँ पर, मुझे बताओ। तो चेन्नई को, सॉरी एक मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, ओके। फिर हम यहाँ पे अनिल को ले लेंगे राजकोट में, और अनिल के बाजू में कौन आएगा, ग्वालियर, तो ग्वालियर यहाँ पे ले लिया हमने। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे लिया हमने? यस सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, चेन्नई है, चेन्नई के बाजू में कौन चाहिए, चेन्नई के बाजू में चाहिए अनिल, और अनिल के बाजू में कौन चाहिए, ग्वालियर, और ग्वालियर से कौन है, रोमिल है, तो यहाँ पे रोमिल ले लो। अब यहाँ पे गौर करो, अगर मान लेता हूं कि मैं चेन्नई, चेन्नई के बाजू में यहाँ पर आ गया हमारा अनिल, बट हमें ग्वालियर और रोमिल साथ में चाहिए, क्या मैं ग्वालियर रोमिल यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं सर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए, नहीं ना। अब बचा क्या, अनिल को यहाँ पे रख लिया मैंने, मान लिया चेन्नई के बाजू में अनिल है और अनिल के बाजू में ग्वालियर है, तो ग्वालियर यहाँ पे ले लिया मैंने, और ग्वालियर को यहाँ पे कौन है गया, रोमिल हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है पूछिए। नो सर, कोई डाउट? और जिसका पोजीशन फिक्स होते चल रहा है, मैं बॉक्स में पुट करते चल रहा हूं। तो देखो हमने क्या किया, ये भी क्लू पुट कर लिया, ये भी क्लू हो गया, ये भी क्लू हो गया, हमने ये भी क्लू बैठा लिया, ये भी क्लू बिठा लिया, और ये भी क्लू बिठा लिया। अब बोला क्या है, ग्वालियर और दिल्ली सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, वो अब चलते हैं बाद में, क्योंकि अभी तक ग्वालियर का हमें पोजीशन ही नहीं पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, बोला क्या है, राकेश बिलोंग कर रहा है पटना से, और उसके थर्ड राइट में अभिजीत है, और रमेश बिलोंग कर रहा है भोपाल से, उसके थर्ड राइट में अभिषेक है। अब इसको कैसे बिठाएंगे, देखो अगर मान लो राकेश बिलोंग कर रहा है पटना से, तो ऐसा जगह ढूंढो जहां पे दोनों साथ में बैठ सके, तो यहाँ पे बिठा सकता हूँ मैं राकेश और पटना को, राकेश और पटना को बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस सर, मुझे बताइए। ओके, इसके थर्ड राइट में अगर मैं मान लो ये साउथ फेस करा, तो एक दो तीन, क्या मैं अभिजीत को बिठा सकता हूँ? नहीं। फटाफट बताइए, फटाफट, नहीं। अगर मैं मान लो ये नॉर्थ फेस करता है, तो एक दो तीन, क्या अभिजीत बैठेगा यहाँ पर? नहीं, नहीं। मुझे बताइए, नहीं बैठेगा, ठीक है। अब राकेश को यहाँ पे ले लिया, क्या एक दो तीन अभिजीत बैठेगा अगर ये साउथ फेस करेगा तो? एक दो तीन अगर ये नॉर्थ फेस करेगा तो अभिजीत बैठेगा क्या? नहीं सर, मुझे बताओ, नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे बैठेगा राकेश, ठीक है, राकेश पटना हो गया। अब यहाँ पे अगर साउथ फेस करेगा तो अभिजीत पीछे बैठेगा क्या, राइट में? नहीं बैठेगा ना। तो यहाँ पे मैं इनसाइड फेस कराऊंगा, तब देखो एक दो तीन, अभिजीत आया कि नहीं आया बताइए मुझे स्टूडेंट्स, अभिजीत आया कि नहीं आया? ओके, अब रमेश बिलोंग कर रहा है भोपाल से, उसके थर्ड राइट में अभिषेक है। अगर मैं रमेश को यहाँ पे लेता हूं, तो मुझे बताओ आगे से काउंट करो, पीछे से काउंट करो, क्या अभिषेक की जगह है क्या? नहीं, नहीं, नहीं है। अगर मैं रमेश को यहाँ पे ले लिया, तो भी काउंट जगह है कि आगे से पीछे से काउंट करने पे? नहीं सर, बताइए। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। अब आइए यहां पर, मान लेता हूं, देखो रमेश, राकेश और पटना साथ में रहेंगे, रमेश और भोपाल साथ में रहेंगे, मान लेता हूं राकेश और पटना यहां पर है, ठीक है, राकेश और पटना यहां पर है, उसके थर्ड राइट में अभिजीत है। अब मान लो ये साउथ फेस कर रहा है, तो एक दो तीन, क्या अभिजीत यहां पर आ रहा है क्या? नहीं सर, मुझे बताइए, नहीं आ रहा है। अगर इसको इनसाइड फेस कराएंगे, तो एक दो तीन, अभिजीत आ रहा है ना? हाँ। मुझे बताइए, तो क्या मैं अभिजीत को यहाँ पे रख सकता हूँ? हाँ सर, बट नहीं, गौर ये भी करना है ना, रमेश और अभिषेक ये भी तो आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये भी तो आ रहा है ना। अगर मान लो राकेश पटना लिया, अभिजीत आपका यहाँ पे आया, अगर रमेश और भोपाल लेता यहाँ पर, तो भी आपका यहाँ पर क्या आता, अभिषेक आता कि नहीं, थर्ड राइट में आता कि नहीं आता? आता ना। तो अब क्या करो, जो पॉसिबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे बना लो एक, क्योंकि मेन के पजल है, रिस्क मत लिया करो, टाइम जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम टू सेम पहले बना लेता हूँ, कौन है यहाँ पे, अनिल भोपाल है, अनिल बेंगलुरु, सॉरी, हाँ बोलिए ना,
सर अगर राकेश को रोहित के बाजू में वहां पे उसको रखा तो अभिजीत तो इनसाइड फेस कर रहा है ना, तो वो राजकोट में जा सकता है ना। एक मिनट मैं बना रहा हूँ एक मिनट रुको, वो दोनों पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। ओके मैं आपको एलिमिनेट कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आराम आराम से सारी चीजें बिठा बिठा के आपको बता रहा हूँ मैं कि ये चीज होगा क्या, ये चीज होगा क्या। देखो जैसे राकेश पटना था, अभिजीत यहाँ पे लिया था हमने, तो यहाँ पे आपका हिसाब से राकेश यहाँ पे आ गया था और राकेश यहाँ पे था पटना पे, राइट। और इसके थर्ड राइट है मतलब ये इनसाइड फेस करेगा तभी जाके अभिजीत बन रहा था यहाँ पर, बन रहा था कि नहीं, बन रहा था कि नहीं, स्टूडेंट बताइए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो, देखो अगर मैं राकेश को यहाँ पे लेता हूँ, राकेश पटना इसके थर्ड राइट में काउंट कर जाएगा, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, थर्ड राइट काउंट करो, एक दो तीन, क्या मैं अभिजीत को बिठा सकता हूँ यहाँ पे बताइए? नहीं बिठा सकता, तो इसको क्या फेस कराना पड़ेगा? आउटसाइड। ठीक है, इसको फेस कराना पड़ेगा आउटसाइड। अब यहाँ पे थर्ड काउंट में देखो अभिजीत बैठा है क्या, एक दो तीन, अभिजीत आ सकता है ना, राजकोट जगह का नाम है, तो यहाँ पे अभिजीत आ सकता है कि नहीं? यस सर। स्टूडेंट बताइए अभिजीत आ सकता है, और अभिजीत क्या फेस कर रहा है? इनसाइड फेस कर रहा है कि नहीं? इनसाइड फेस कर रहा है। अब बट इसमें अभिजीत क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एलिमिनेट हो रहा है। ये देखो ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखो रमेश बिलोंग कर रहा है भोपाल से, तो रमेश और भोपाल के लिए एक ही जगह बच्चा नहीं यहाँ पर बचा कि नहीं? स्टूडेंट बताइए। तो रमेश यहाँ पर ले लिया हमने और ये हो गया भोपाल। अब रमेश के थर्ड राइट में अभिषेक होना चाहिए। अब देखो थर्ड राइट में अभिषेक होना चाहिए, तो अगर मैं मान लो साउथ फेस कराता हूँ तो एक दो तीन, क्या अभिषेक बैठेगा यहाँ पे? नहीं बताइए। ये तो राहुल बैठा हुआ है ना, तो ये साउथ फेस नहीं करेगा, फिर ये इनसाइड फेस करेगा। अब यहां से अभिषेक काउंट करो, एक दो तीन, अभिषेक आया कि नहीं? यस सर। अभिषेक आया कि नहीं यहाँ पर बताइए? ठीक है, अब ये फेस कर रहा है इनसाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जरा गौर करना आप लोग, क्वेश्चन में बोला है चार लोग फेस करेंगे इनसाइड, चार लोग फेस करेंगे आउटसाइड, और बोला क्या है ग्वालियर और दिल्ली सेम डायरेक्शन फेस करेगा। आप मुझे एक बात बताओ, ग्वालियर और दिल्ली सेम डायरेक्शन फेस करेगा, पहले ये बताइए मुझे इनसाइड वाले कितने हैं? एक दो तीन इनसाइड है, तीन इनसाइड है ना, और आउटसाइड कितने हैं? दो। अगर मान लो अगर मैंने ग्वालियर को इनसाइड फेस कराया तो दिल्ली वाले को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? इनसाइड फेस करना पड़ेगा, और दिल्ली वाला कौन है? राहुल है, तो अगर मैं इसको भी इनसाइड फेस कराऊं तो इनसाइड, देखो इनसाइड वाले की तादाद बढ़ जाएगी ना, हमें चार चाहिए थे बट काउंटिंग बढ़ गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव हो गया ना, फाइव हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो मतलब हमें ग्वालियर और दिल्ली वालों क्या फेस करना पड़ेगा? आउटसाइड फेस कराना पड़ेगा, तो ग्वालियर वाले को हम आउटसाइड फेस कराएंगे और साथ ही साथ दिल्ली वाले को भी आउटसाइड फेस कराएंगे। अब जरा देखो आउटसाइड वाले काउंट करो कितना हो रहा है, एक दो तीन चार, अब बचा कुचा फिर कौन होगा? फिर इनसाइड वाला ही होगा ना। स्टूडेंट्स बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया, कोई डाउट है? नो सर। स्टूडेंट्स बताइए कोई डाउट है? इस तरीके से बनाना है हमें, क्लू को मैच करते हुए चलना है, इस तरीके से हमें बनाना है। जब तक आपको डरना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, जब भी मेंस लेवल का क्वेश्चन आता है ना, तो आप माइंडसेट ये बना के रखो कि आपको सारी चीजें आती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हमें आती हुई चीज भी हम नकार लेते हैं कि हमें नहीं आती। आप कॉन्फिडेंस में रहो कि अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, पूरे जोरों में लग जाओ। अगर नहीं बन रहा है तो पहली बार नहीं बनेगा, सेकंड टाइम बनेगा, सेकंड टाइम नहीं बनेगा, थर्ड बार बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, क्यों नहीं बनेगा? तो आपको यही स्ट्रेटेजी रखना है, क्लू को दिमाग में रखते हुए चलना है, मैच कर, जैसे मैं मैच कर रहा था क्लू को, तो यहाँ पे क्लू को मैच करते हुए चलना है, और कोशिश ये करना है ओरली बिठाने का, जैसे मैं आपको जानबूझ के बिठा बिठा के दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से ही बिठाने की कोशिश करें, बट आपको इस तरीके से नहीं बिठाना, क्योंकि आप अकेले सॉल्व करोगे, यहाँ पे मुझे समझाना होता है, तो यहाँ पे अकेले सॉल्व करो, तो आप इसी तरीके से एक एक चीज को बिठाते हुए चलो और देखो कि चीजें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, अगर नहीं बैठ रही एलिमिनेट करते हुए चलो, दूसरा चीज बिठाते हुए चलो। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। मैंने हेक्सा वाला लिया था या क्वेश्चन एक भी? नहीं। ठीक है, इसके बाद हेक्सा ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हेक्सा ले लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
हो गया फ्रेंड्स बताइए। यस सर हो गया। रफ कर दो इसे। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, हेक्सा में कितने साइड होते हैं? हेक्सा में होते हैं 6 साइड्स, राइट? हेक्सा में 6 साइड्स होते हैं, बट आप हेक्सा इस तरीके से बनाते हुए मत चलना एग्जाम में, सिर्फ आपको मतलब है 6 साइड्स है ना, तो आपने सर्कल की प्रैक्टिस काफी अच्छे कर चुके हैं आप 8 लोगों को बिठा के, तो सर्कल में ले लो 6 साइड में बिठा दो, सिंपल। याद रखना सर्कल फॉर्म में रखना हेक्सा को भी, आपको पता है ना हेक्सा 6 साइड होते हैं, बस सर्कल में 6 लोग को बिठा लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूँ, सर्कल से सॉल्व करना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हेक्सा का शेप बनाओ या ना बनाओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हेक्सा 6 साइड में होते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करिए। एक्चुअली ये सर्कल जैसा ही होता है, कुछ भी अलग नहीं है, बट फर्क क्या होगा, सर्कल में 8 भी होते हैं 9 भी होते, बट हेक्सा अगर बोल दिया तो आप 100% 6 लोग को बिठा के सर्कल में सॉल्व करो, आपके आंसर सही आएंगे। चलिए सॉल्व करिए इसे, काफी इजी है। Done, sir. Very good, Manish. Very good. Done, sir. Very good, very good. और किसी का हुआ? सोनाली, very good. Done, sir. Very good, very good. चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 6 पर्सन है और हेक्सागोनल शेप में है। इसमें पता है हेक्सा में 6 साइड्स होते हैं, तो हम सर्कल बनाए, चाहे हम लोग हेक्सा का शेप दें, लेकिन हेक्सा का शेप देंगे इससे अच्छा सर्कल की प्रैक्टिस की है अच्छी खासी, तो सर्कल में ले लो 6 लोग को बिठा दो, बट बिठाना तो आप अपोजिट अपोजिट बिठाना। क्या बोला है? सभी लोग फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई का इमीडिएट लेफ्ट में एफ हो जाएगा, यहां पर भी ई के इमीडिएट लेफ्ट में एफ ले लेंगे हम लोग। वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक बंदा बैठेगा। आप मुझे एक बात बताइए, सी और डी में एक बंदा बिठाने के लिए यहाँ पर एक ही जगह है ना, एक बार मैं सी को यहाँ पर ले लूंगा, सी और डी यहाँ पर हो सकता है, या फिर सी और डी यहाँ पर हो सकता है, और कोई जगह होगा क्या मुझे बताइए स्टूडेंट्स? नहीं सर, नहीं होगा। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ए क्या है सेकेंड राइट में होगा किसके, बी के, तो बी यहाँ पर ले लिया, इसका सेकेंड राइट में ए यहाँ पर हो सकता है कि नहीं?
और यहां पर देखिए ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकंड एट ए यहां पर हो गया, क्लियर हो रहा है? यस सर। बोथ सी एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, सी और बी एक दूसरे का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो सी और बी, तो यहां पर बी नहीं आएगा, तो यहां पर कौन आएगा फिर? डी आएगा, फिर यहां पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में देखो सी और बी इमीडिएट नेबर हो रहा है कि नहीं, चाहे मैं इधर सी ले लू चाहे इधर सी ले लू, इमीडिएट नेबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए। तो ये हमारा मतलब पॉसिबिलिटी राइट हो गया, तो ये हमारा हो गया करेक्ट। अभी तक हमने जो जो सीखा, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगुलर, हेक्सा, टू पैरेलल रो वाले, लीनियर, अनसर्टेन, ये कोई डाउट है इसमें मुझे बताइए, किसी प्रकार का कोई डाउट? या आज जो हमने सीखा डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चंस मेंस लेवल के, इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आया? क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके, चलिए फिर यहाँ पे हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का एक लेवल कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में आपको डबल वेरिएंट के और क्वेश्चन दूंगा और ट्रिपल वेरिएंट लूंगा, देन हमारा सेटिंग अरेंजमेंट फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर आप वहां एक्चुअली आप तैयार हो चुके हो सिंगल वेरिएंट के और डबल वेरिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रिपल वेरिएंट कैसे सॉल्व किया जाता है जो पीओ के लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। चलिए क्लास, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो भी मैंने पढ़ा है एक बार प्रैक्टिस करिए और अलग से भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।